ये वही बच्चा है जिसने आज उदयपुर रैली में कोहराम मचा दिया, यानी कि पहले दो राउंडों में इसने 200 मीटर का गैप और उसके बाद में फाइनली इसने अपने बैच के बारे में सोचा कि और बच्चों का भी थोड़ा भला कर देते हैं, इसलिए अपनी स्पीड डाउन करके इसने 50 से 70 मीटर की लीड देते हुए सुपर एक्सीलेंट आज इसने मारी है। पहले भी ये दो बार एक्सीलेंट मार चुका है, लेकिन किस कारण से ये रहा था इसने खुद सुनिए। अगर आप में भी ऐसी कमी है तो उसे तुरंत दूर करें और कल इसका फाइनली मेडिकल भी होने वाला है। पहले भी एक बच्चा आया था जो 6 बार भर्तियों में रह गया, कितनी बार? 6 बार। स्पोर्ट से, हर चीज से, आज वही सेम है। ये महेंद्र है नागौर से और इसका चेस्ट जो है, चेस्ट में ये 2 बार आउट हुआ है। दोनों बार इसने एक्सीलेंट मारी है नागौर भर्ती में, स्टेडियम में, और रनिंग अभी भी बहुत शानदार है, लेकिन चेस्ट जो है इसका 1 सेंटीमीटर जो है कम है, 1 कम है, 76 है। अभी आज की डेट देख लो और इसका नेक्स्ट वीडियो भी लगाएंगे। अभी इसका 76 है और फुलाने में भी दिक्कत आ रही है, फुला के बता एक बार। तो अब चेस्ट फुलाया कैसे जाता है वो भी आपको वीडियो का लिंक कंप्लीट आपको चेस्ट के बारे में या इस महेंद्र के पूरे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा बता दूं कि दानापुर में जो रैली हुई थी उसमें भी हमारे राहुल पांडे उर्फ पंडित जी, इन्होंने अपनी रेस जो है सफलतापूर्वक कंप्लीट की है, तो इनको भी बहुत बहुत बधाई हो। वीरू फौजी डिफेंस एकेडमी में अगर आप आने का सोचते हैं तो एक बात आप निश्चिंत रखें, आपको यहाँ पे मेहनत करनी ही पड़ेगी। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो ये है अनिल। अनिल जो है इसे एकेडमी में चेला नाम से बहुत प्रसिद्धि मिली हुई थी, तो ये अनिल जो है इसने भी रेस कंप्लीट कर दी है। आप सभी को बता दूं, बड़ी हैरान करने वाली बात होगी कि इसका टाइम जो है 6 मिनट आता था और लेकिन इसकी रिलेशन भर्ती थी, तो रिलेशन का बच्चा कभी एकेडमी का रेस में नहीं रहता है। अगर उसने ढंग से 2-3 महीने यहाँ पे मेहनत की हुई है तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई हो और आपको भी आने वाली भर्तियों में सिलेक्शन हो, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।